हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेवन चैप्टर एनसीईआरटी का ट्राइंगल जो था नाइन्थ क्लास का, उसकी सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसके हमने सिक्स क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ। तो ये डायग्राम हमें गिवन है। इस डायग्राम में क्या गिवन है हमें, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी बी होगा। साथ में ये वाला एड्रेस भी इक्वल गिवन है। आपके क्वेश्चन में नेमिंग के अकॉर्डिंग इक्वल गिवन है, लेकिन मैंने नंबरिंग कर दी तो एबी हो जाएगा। उससे हमारा एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर में क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव करना है हमें ट्राइंगल डी ए पी, ये ट्राइंगल इक्वल्स कॉम्बिनेंट ट्राइंगल ई बी पी, दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉम्बिनेंट प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ट्राइंगल हमें कॉम्बिनेंट प्रूव करने ना, उनको हम दोनों को अलग अलग एक बार बना के देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं कि AP और PB इक्वल, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू हमें गिवन क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन यहाँ पे एंगल APD और एंगल BPE ये इक्वल नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओनली यहाँ पर ये पार्ट गिवन है इक्वल थर्ड एंड फोर्थ। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। हमें गिवन है एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर्थ। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है दोनों में, अगर मैं इनको दोनों साइड ऐड कर देता हूँ तो क्या होता है, तो इस एंगल का नेम है हमारा EPD। तो एंगल थ्री प्लस एंगल EPD एंड एंगल फोर प्लस एंगल EPD। तो एंगल थ्री में अगर मैं EPD ऐड करता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं। ये एंगल थ्री है हमारे पास, EPD तो हमारे पास ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का बन गया, जिसका नेम के अंदर क्या बोल सकते हैं, APD, जो हो गया हमारे पास APD। सेम यहाँ पे देखिए एंगल फोर हमारे पास इतना पार्ट है और उसमें हम APD प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, जिसका नेम हम बोलते हैं BPE, एंगल BPE। तो APD हमारे पास ये वाला एंगल हो गया और BPE हमारे पास ये वाला एंगल हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं कि ये दो एंगल इक्वल, उनके इंक्लूडिंग साइड इक्वल, तो बाय ASA दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू ये हमें गिवन है। सेकंड थिंग, एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPE ये हमने भी प्रूव किया ऊपर। एंड थर्ड, AP इक्वल्स टू PB ये हमें गिवन है। Therefore, triangle DAP congruent to triangle EBP by angle side angle property। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा है AD इक्वल्स टू BE। तो यहाँ देख रहे हैं हम AD एंड BE इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ले सकते हैं हम Therefore, AD इक्वल्स टू by CPCT जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए ग्रेट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नंबर 8, इसमें क्या गिवन है हमें, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C। ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करते जाते हैं। ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट C, तो ये हो जाएगा हमारे पास MD। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज
माइनस ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एल इसका एक मिड पॉइंट है, ये हमने मिड पॉइंट मार्क कर दिया एल। नेक्स्ट सी इज जॉइन टू एम, सी को एम से जॉइन किया, अच्छा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ इवेंट मींस बी एम इक्वल्स टू एम, हमने ये बात है क्वेश्चन में, एम को सी से जॉइन कर लिया हमने, फिर एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इस लाइन सेगमेंट को डी तक प्रोड्यूस किया हमने, देन सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, तो साथ में ये भी गिवन है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद इसे ज्वाइन किया हुआ है तो हमारा डायग्राम कंप्लीट है। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर हमें, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, बी एम इज इक्वल्स टू ए एम एंड सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में हमें, ट्रायंगल एएमसी कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल बीएमडी, फर्स्ट पार्ट में कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल बीएमडी, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल डीबीसी कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल एसीबी, एंड फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है सीएम इज इक्वल्स टू हाफ एबी, ये फोर पार्ट में प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ अब, तो फर्स्ट है हमारे पास एएमसी एंड बीएमडी, एएमसी ये वाला ट्रायंगल एंड बी एम डी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, और ये जो एंगल बने हुए हैं आमने सामने ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बाय ऐसे दीज आर कॉम्पोनेंट एंगल, कैसे लिखेंगे इसको हम, एंड ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, क्या क्या इक्वल इसके अंदर, BM इज इक्वल्स टू CM, BM इज इक्वल्स टू AM गिवन, सेकंड DM इज इक्वल्स टू CM ये भी हमें गिवन है, थर्ड इसको नंबर डालते हैं 1 and 2, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी बाय कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, साइड एंगल एंड साइड बाय एसएएस, ये फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ पूछा है हमसे एंगल डीबीसी इज राइट ट्रायंगल, अच्छा अब हमने अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्पोनेंट टू किया है तो इसके बच्चे का एंगल तो बच्चे की साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ बोल सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी, तो ये नेक्स्ट पार्ट में मेरा काम आएगा, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी, एंड ए बी बी डी एंड ए सी इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो ये भी इक्वल होंगे एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है हमसे कि डी बी सी एक राइट एंगल है, डी बी सी दिस पर ये 90 में गिवन था, इसे 90 में प्रूव करना है,
तो हमने सिक्स चैप्टर में पढ़ा था, उसको आपको याद है कि अगर टू लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो हमने जो पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या कोइंटीरियर एंगल का 180 डिग्री, तो उनमें से हम कोई भी एक चीज प्रूव कर देते हैं, दोनों लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि मेरिडियन एसी टू लाइंस है जिसके अंदर एंगल 3 और एंगल 4 दिस वन इज एंगल 4 एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये जेड के अंदर दिख रहे हैं हमें जो फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इट मींस क्या हुआ, BD एंड ACR पैरेलल लाइंस। तो यहां लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में BD एंड AC आर लाइंस, तो लाइन मान लिया हमने और DC को हमने ट्रांसवर्सल मान लिया एंड DC इज ट्रांसवर्सल। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 फॉर्म्स अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर BD पैरेलल टू AC। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हो गई मेरे पास और मैं इसको ट्रांसवर्सल मानता हूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये कोइंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कोइंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंगल DBC में फाइंड करना है, ये मैं 90 डिग्री गिवन है, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, DBC को मैं राइट एंगल प्रूव करना था, 90 डिग्री को लगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है DBC कॉम्पोनेंट टू ACB, DBC कॉम्पोनेंट टू ACB। ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं यहां से हमारा DBC। अब यहां देखना जो ट्राइंगल में कॉम्पोनेंट प्रूव करने कौन से हैं, एक तो ये वाला है, ये 90 है, इस 90 हमने प्रूव कर दिया, इन दोनों को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में और बीसी दोनों में कॉमन आ गया, तो इसे दोनों ट्रायंगल कॉमन हो गए, तो ले सकते हैं हम इन ट्रायंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी दोनों 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड थिंग BD इक्वल्स टू AC, ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में बाय सिंपलिसिटी से। एंड थर्ड BC इक्वल्स टू BC बाय सिंपलिसिटी, देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड। लास्ट पार्ट है हमारा CM इक्वल्स टू हाफ AB, CM इक्वल्स टू हाफ AB। CM इक्वल्स टू हाफ AB हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये CM है। तो यहां पे एक बात देख रहे हैं हम कि जो AB है
ए बी किसके इक्वल है, बी एम और ए एम के सम के इक्वल। ठीक है, ये ए बी है एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर बी एम प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ए बी। बट हमें यहाँ पर सी एम लाना है, तो सी एम के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी एम ये वाला जो पार्ट है बी एम ए एम के एक पर, और यहाँ पे सी एम जो है वो बी एम के एक पर। तो इसे हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ए बी और सी डी लिखो, ये सी डी पार्ट है वो किसके इक्वल है, डी एम प्लस सी एम के इक्वल है। इस वाले पार्ट की बात कर देता हूँ, ठीक है, सी डी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए आप डी एम और सी एम इक्वल है, तो क्या मैं इस डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो सी एम प्लस सी एम, तो ये हो गया हमारे पास सी डी इक्वल्स टू टू सी एम। अब हमें गिवन था कि सी डी जो है ए बी के इक्वल है, कैसे हुआ है इक्वल, ये यहाँ पे देखिए जब हमने थर्ड पार्ट में नॉन ट्रायंगुलर मोमेंट प्रूव किया था, तो बाय सी पी सी डी क्या हो जाएंगे, ये ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो यहाँ पे हम सी डी की जगह ए बी पुट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इधर हो जाएगा एंड प्रूफ। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे और बाकी ये सब फिर से ट्राई करेंगे। थैंक यू।